नेताजी आए थे ना, फिर भाषण देके जोने लगे तो हवा पकड़ता है ना हेलीकॉप्टर, तो आदमी सबको उड़िया लेता है और गमछा सब उड़िया लेता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं nukpost.com। इस वक्त मैं बिहार के भागलपुर में हूं और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो चली है। लोग जानना चाहते हैं कि नौजवान किस मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं, वृद्ध के दिमाग में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और बेरोजगार क्या सोचकर अब की बार वोट करने जा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब नेताजी की गाड़ियां बोलेरो और स्कॉर्पियो आपकी गलियों से गुजरती है धूल उड़ाते हुए, तो बच्चों के दिमाग में क्या चलता होगा? जब नेताजी के पोस्टर चिपके और लटके पड़े रहते हैं दीवार में, तो बच्चे उसको देखकर क्या सोचते होंगे? जब आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर मारता है तो क्या वाकई बच्चों का दिमाग भी चकराता है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बच्चों से जानकारी लेंगे कि इलेक्शन को लेकर उनके दिमाग में क्या चलता है। आइए, चुनाव के बारे में आप क्या जानते हैं? नेता सब गली कुची से, नेता का गाड़ी गली कुची से धूल उड़ाते जाता है, पोस्टर देता है, हम लोग खुश होके उसके गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं और धूल उड़ाते हैं तो हमको मजा आता है। धूल उड़ता है तो मजा आता है? हाँ, धूल उड़ता है तो मजा आता है। आप नकाब लगा लेते हैं मुंह में और इन्हें मजा आता है, वो भी नेताजी के चक्का से जब धूल उड़ता है तो भैया इनको बड़ा मजा आता है। क्या जानते हैं चुनाव के बारे में? नेता सब हेलीकॉप्टर से गुजरते हुए जाता है तो और हमको हेलीकॉप्टर पर से पोस्टर फेंक देते हैं, हम उसे हेलीकॉप्टर से पोस्टर फेंकता है। हम पोस्टर तो रोहित शेट्टी के फिल्म में भी ऐसा नहीं देखे थे, पता नहीं इन्होंने कहाँ देखा है। हाँ बोलो। हम उस पोस्टर को लेके हम अपने किताब में कॉपी में जिन लगा देते हैं और जो उसके पोस्टर बाकी जो पोस्टर बसता है तो उसके हम पतंग बना के उड़ाते हैं। देखिए, पोस्टर की जो उपयोगिता है इनके लिए वो पतंग बनाना है और किताबों पर जिंद लगाना है, मज़ेदार है। इलेक्शन के बारे में क्या जानते हैं आप? बोल। अजय मंडल तीर छापने आता है। अजय मंडल तीर छापने आता है, तो क्या बोला था अजय मंडल? अजय मंडल बोला था कि गली कुची सब में, क्या बोला था अजय मंडल? गली कुची में रोड बनवा देंगे और नवीन दलवा देंगे और पानी का सुविधा देंगे, पानी का सुविधा। तो आपके घर में नल है? नहीं, नल नहीं है। नहीं, नल है। नल है, पानी आता है? नहीं आता है। नल है, पानी नहीं आता है, यानी कि वही बात हो गई भाई, पेट है, इंसान है, लेकिन हम भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, बात वहीं पर आ गई। तो हेलीकॉप्टर देखा आपने? हाँ। तो कैसा था, क्या कुछ घटना बताइए, नेताजी आए थे तो कैसा हुआ था? नेताजी आए थे ना, फिर भाषण देके जोने लगे तो हवा पकड़ता है ना हेलीकॉप्टर, तो आदमी सबको उड़िया लेता है और गमछा सब उड़िया लेता है। किसका गमछा उड़िया था? एक आदमी को उड़िया जा था। हाँ। और आदमियों को उड़िया है तो बांस पकड़ के आदमी रह जाता है। तो इनका कहना है कि बांस का जो प्लांट है, बांस के जो टेंट लगे होते हैं उनको पकड़ के बचा जा सकता है नेताजी के हेलीकॉप्टर से। यानी कि नेताजी आपका राशन, आपका पानी लेके उड़ते ही हैं, आपको भी लेके उड़ सकते हैं, इसलिए भैया ज़रा सावधान रहिएगा। बच्चों के मुताबिक आदमी उड़ सकता है, इसलिए बांस पकड़ के खड़ा रहिएगा। क्या हेलीकॉप्टर आया था? हाँ आया था। क्या हुआ था उसमें, कैसे क्या देखे थे? उस हमारा हेलीकॉप्टर ना जाने अच्छा ऊपर में पंखा घूमता था और पीछे में भी, और भूख भाग बॉल बढ़ता था और नेताजी बैठे थे। अच्छा ये बताओ कि नेताजी क्या बोले आके? आके बोले कि तीर छापो। आप भी इधर आइए, आइए 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 सर, हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री हो आने वाले समय का, लेकिन अभी छुप रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोले नेताजी?
नेताजी बोले कि तीर छाप को जिता देना। और तीर छाप से कौन है यहाँ पे? अजय मंडल। भैया मंडल का यहाँ पर जो लड़ाई है इसमें कमंडल कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अजय मंडल है जेडीयू से और आरजेडी से कौन है? बुलो मंडल। हाँ, उर्फ शैलेश। शैलेश है ना उसका नाम, उर्फ शैलेश। क्या बोले नेताजी? कुछ बोले थे नेताजी? बिजली सड़क पानी हाँ, कुछ बोले थे नेताजी? बोले थे कि क्या कि हम हाँ, यहाँ पे जो रोड खंडहर खद्दा खुद्दी है तो हम उसको ठीक करवा देंगे। और आपको लगता है कि ठीक करवा देंगे? नहीं, पहली बार जो हम जिताए तो अभी भी है, अब दूसरा चलने। पहली बार जो जिताए थे तो उन्होंने सड़क ठीक नहीं किया, पानी नहीं दिया आपको? नहीं दिया, इसलिए विश्वास नहीं है, झूठ बोल सकता है। हाँ, देखिए भैया कि बच्चों का दिमाग देखिए कितना डेवलप है, वो इन्हें उनके मुद्दे याद है कि हम सड़क देंगे पानी देंगे, लेकिन इन्हें वो सुविधाएँ नहीं मिली है, इनको ठीक से पता है। तो सरकार जी कैबिनेट में पारित कीजिए ना, वोट ये भी दे, ऐसे नहीं चलेगा देश। ये भी एक देश का नागरिक है, जागरूक नागरिक है और तर्क शक्ति है इसमें। किसको वोट देंगे? अजय मंडल को। अजय मंडल को कौन सा छाप है? तीर छाप। तीर छाप, आप उसको वोट देंगे? कभी दिए हैं वोट? नहीं, पहली बार देंगे। ये बताओ कि बड़ा सब आदमी जो वोट देता है वो सही आदमी को देता है या गलत आदमी को देता है? सही आदमी को देता है। सही आदमी को देता है तो फिर सही आदमी गलत हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता है। नहीं करता है, दूसरा भी करता है तो वो भी नहीं देता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी वालों इन्हें प्रवक्ता बना लो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी। क्या बड़े आदमी जो वोट देते हैं तो अच्छा आदमी को देते हैं या बुरे आदमी को देते हैं? अच्छे आदमी को देते हैं। हाँ, लेकिन मोदी सरकार जो पहली हैकरा हटा हुआ पीछे लगता है। बोलो बोलो बोलो। पहली बार जो हम मोदी सरकार को जिताए तो उसने कहा कि हम सभी के बैंक में इधर आ जाओ बोलना बाकी है। मोदी सरकार ने कहा कि सभी युवाओं को हम 2 लाख रुपये देंगे। मोदी सरकार ने कहा तो अब दूसरा भी वोटिंग चलने लगा, तब भी पैसा नहीं आया है 2 लाख। फिर कहा है कि फिर देंगे 2 लाख। अब किसल क्या देगा, जब दिया ही नहीं तो झूठ ही बोल रहा है ना। झूठे वादे बच्चे समझते हैं जनाब। इनका कहना है कि नौजवानों को मोदी जी ने कहा था कि हम 2 लाख रुपया देंगे उनके अकाउंट में, लेकिन उन्हें 2 लाख नहीं मिला। आपको भी मिलना चाहिए था 2 लाख। हाँ, तो क्या करते 2 लाख का? दो लाख का हम घर बना लेते। घर है झोपड़ी जैसा, उससे उस जब झड़ पड़ने बारिश जब पड़ने लगता है तो बारिश का पानी मेरे घर में बहने लगता है। आप देखिए कि बच्चे अपने लाइफ और अपने घर को लेकर कितने चिंतित हैं। छोटा सा बच्चा है, इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती है कि इनके पास अच्छे घर नहीं है, जब बारिश पड़ती है तो इनके घर भींग जाते हैं। तो तमाम चीज़ों को ये समझते हैं, इनमें मैच्योरिटी देखिए कितनी है, ये चीज़ें समझ रहे हैं। इनको ये भी पता है कि नेताजी इन्हें बार बार धोखा देते हैं, वादा करके जाते हैं लेकिन वादा नहीं निभाते हैं। तो लोगों को क्या सोच के वोट देना चाहिए, उनके क्या सोच के वोट देना चाहिए लोगों को? लोगों युवाओं को वोट देने के लिए आपकी साल किसी को नहीं देना चाहिए। जब आपकी साल बुला मंडल ने कहा है कि हम 75,000 सभी युवाओं को देंगे, किसी को वोट नहीं देना चाहिए, नहीं। वोट का बहिष्कार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि नेताजी ने काम नहीं किया। नहीं किया, उसने कहा कि हम सभी के घर में टोटी लगवा देंगे। टोटी में से पानी ही नहीं निकलता है, ना टोटी लगा ना टोटा लगा, और नेताजी मोटा हो गया है ना। हाँ, मतलब जनता का पैसा खा के नेताजी मोटे हो गए, इनके घर में टोटी नहीं लगा। तो इनका कहना है कि अब की बार भाई वोट एकदम मत करो। नोटा है आपके लिए, यदि बच्चों की बात मानते हैं तो आप नोटा दबा सकते हैं जाके, लेकिन वोट कर लीजिए। वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। क्यों?
क्योंकि ये नेता सब धोखा दे के चल जाता है और फिर नहीं आता है। नेताजी ने दिया धोखा, अब नहीं देना चाहते हैं नेताजी को मौका, है ना? हाँ। अरे वाह, नेताजी को वोट देना चाहिए या नहीं? हाँ। क्यों देना चाहिए नेताजी को वोट? जीत देना चाहिए, किसी को वोट नहीं दिया है। किसी को वोट नहीं दिया इसलिए नेताजी को देना चाहिए, मतलब इनको ये चिंता सता रही है सर कि नेताजी को कोई वोट नहीं देने वाला है, ये भी बोल दिए कि नहीं देने वाले हैं और ये भी बोल दिए कि नहीं देने वाले हैं, इनको ये चिंता है कि नेताजी को वोट नहीं मिल रहा है तो नेताजी को वोट मिलना चाहिए क्या? हम सरकार से यही मांगेंगे कि सभी प्राइवेट स्कूल में 3,000 रुपया लग जाते हैं, हम वो पैसे कहाँ से लाएंगे? सभी सरकार, हाँ, सभी हाँ। सभी युवाओं को 3,000 रुपया कहाँ से ले आएंगे? आप युवा हैं? हाँ। देखिए ये नौजवान है, ये युवा है, इनकी मांग है कि 3,000 रुपये जो प्राइवेट स्कूल में इनके खर्च होते हैं वो ना हो, या फिर सरकार उनके दाम को कम करे, उनकी कीमत को कम करे। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से? हाँ। सरकार जो है एक किलो दूध देता है, जब हमको दूध देगा तब उसको वोट देंगे। सरकार दूध देगा आपको तब आप वोट देंगे? मांगे गजब हैं, गजब मांगे हैं। क्या सरकार से मांग करते हैं आप? स्कूल में खिलौने खेलने के लिए कुछ नहीं है, खाली एक ससरने वाला है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्कूल में बहुत सारा झूला सब खिलौना सब बहुत सारा खिलौना सब खेलने के लिए रहना चाहिए। कैरम बोर्ड नहीं है, लूडो बोटी ना है, हॉकी ना है, बैडमिंटन ना है। तो बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, इन सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया। नेताजी के हेलीकॉप्टर के बारे में ये क्या सोचते हैं, जब स्कॉर्पियो नेताजी की स्कॉर्पियो जब धूल उड़ाती हुई इनकी गलियों से गुजरते हैं तो इनके दिमाग में क्या चलता है, तमाम चीज़ों की मैंने जानकारी ली। और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी मांगे क्या है और बोला कि वोट नहीं करने। एक ने तो कहा कि वहाँ वोट तो करना है क्योंकि ये लोग वोट नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह हम सीरीज चलाएंगे बच्चों पर और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उसके बारे में बच्चों से जानकारी लेते रहेंगे और हम आपको बताएंगे। शायद ये पहला इंटरव्यू है बच्चों का इलेक्शन को लेकर, तो भूलिएगा नहीं, बच्चों की बातें याद रखिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या करना है? घंटा भी दबाना है? घंटा भी दबाइए। नमस्कार।